उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की स्मृति में गुरुवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष अरुणेश शाही ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के द्वारा किया जाएगा, जो कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। कोविड में यह प्रतियोगिता 1 साल नहीं हो पाया था, जिसमें भारत के 12 टीमें भाग लेंगी, जिसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख, उपविजेता टीम को 1 लाख और तृतीय विजेता टीम को 50,000 की धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कबड्डी संघ के सचिव प्रभात कुमार पांडे एवं अध्यक्ष अरुणेश शाही ने कहा, बिजनेस और प्रभात कुमार पांडे, सचिव जिला कबड्डी एसोसिएशन गोरखपुर। आयोजन 1-2 बजे से होगा शुरू। कुल 12 टीमें हैं, 12 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और 2 बजे से खेला जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, जो गिरीश चंद्र यादव जी उद्घाटन करेंगे। एक माननीय खेल मंत्री हैं और महाराज जी समापन करेंगे 4 तारीख को। मैं अरुणेश शाही, जिला कबड्डी संघ का अध्यक्ष हूँ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृति में खेल मंत्रालय द्वारा एक कबड्डी का आयोजन होता है, जो अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। ये चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक प्रत्येक वर्षों में होता आया है। कोविड में 1 साल नहीं हो पाया, जिसे यहाँ के खेल प्रेमी वंचित रह गए। अभी इसका उद्घाटन 1 दिसंबर को माननीय राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी के द्वारा कल 2 बजे होना है, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ 12 खिलाड़ियों का सहभागिता होगी। उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। कल सुबह से सारे खिलाड़ी आना शुरू हो रहे हैं, कुछ तो आज रात में ही आ जाएंगे और उसका उद्घाटन 2 बजे माननीय खेल मंत्री के द्वारा होगा, जिसका समापन 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा 2 बजे से 3 बजे 4 बजे के बीच में होगा, जिसमें पुरस्कार वितरण और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये कितने दिन का कार्यक्रम? ये 4 दिन का कार्यक्रम है और 4 दिन में ये प्रतियोगिता संपन्न होती है। और इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका समापन और पुरस्कार वितरण महाराज जी द्वारा होता है, जो 4 दिसंबर को सायंकाल संपादित होगा। नाम की राशि भी रखी है जो इसमें विजेता को 2 लाख रुपया, उपविजेता को 1 लाख रुपया और जो तृतीय होते हैं उनको 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जो खेल मंत्रालय से मिलता है लोगों को। 4 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि भी हैं और ये जो आयोजन हो रहा है पूर्वांचल का सबसे बड़ा कबड्डी का आयोजन है, क्योंकि महाराज जी विगत 25-30 वर्षों से खेल के लिए बहुत संजीदा रहते हैं। उन्होंने कबड्डी, कुश्ती, हॉकी सारी प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करते आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी खेलों में विशेषकर रुचि लेकर के वो सहयोग भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं।